मेरा प्रश्न है कि 2 महीने पहले अखिलेश यादव का जो ग्राफ था और आज जो ग्राफ है उसमें कुछ बदलाव है कि नहीं है? 2 महीने पहले अखिलेश यादव का ग्राफ कहाँ था और आज कहाँ है, हमको इसको देखना चाहिए। 2 महीने पहले हम सब चर्चाएं करते थे और ये कहते थे कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। लखीमपुर खीरी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर में अगस्त में जब चर्चाएं होती थी तो हम लोग यही कहते थे कि विपक्ष तो कहीं है नहीं, और एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा जो है दौड़ता चला जा रहा था। आज हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ आ रही है, प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ आ रही है, और बीजेपी तो खैर भीड़ लाने में उसका एक गणित, उसको पता ही है भीड़ कैसे आती है। सरकार भी है, सत्ता भी है, तंत्र भी है, संगठन भी है, संघ भी है, सब है उसके पास। तो अब कम से कम आज हम ये कहने की स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है वो भी बराबर जो है प्रचार में, सभाओं में, रैलियों में भाजपा को टक्कर दे रहा है। तो इसका मतलब 2 महीने में विपक्ष ने अपने को बहुत इंप्रूव किया है, ये तो मानना पड़ेगा ना, कम से कम इस दृष्टि से। तो अगर विपक्ष ने इंप्रूव किया है तो कोई ना कोई नीचे आया होगा, कोई ना कोई पीछे आया होगा। तो कौन पीछे आया? बसपा तो जहां है वहीं है, तो जाहिर है जो जो घोड़ा सबसे आगे तोड़ रहा था उसी की चाल धीमी हुई, और तब ये जो विपक्ष के जो घोड़े हैं मतलब रथ जो है ये उसके बराबर पहुंच गए हैं। अगर आगे नहीं पहुंचे तो बराबर तो पहुंच ही गए, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये तीनों रथ जो है, बीजेपी का रथ और सपा का रथ और कांग्रेस का रथ, ये कम से कम बीजेपी और सपा का रथ तो लगभग बराबर चल रहा होगा और कांग्रेस का थोड़ा पीछे होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रगति तो विपक्ष ने की है। अब जैसा कि रविकांत जी अभी गिना रहे नहीं थे कि तमाम सारी बातें, सर, तो भाजपा भाजपा सरकार की खुद की गलतियां हैं जिसकी वजह से विपक्ष आज आगे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से उस तरीके के प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो जैसा भी रविकांत जी ने बताया कि वो लोकल इश्यूज को नहीं छू रहे हैं, तो आधी अधूरी तैयारियों के साथ क्या अखिलेश मेन विकल्प बन पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकमेंसी है, वो एंटी इनकमेंसी की वजह से मेन विकल्प के तौर पर लोग अखिलेश को देख रहे हैं। नहीं, देखिए जब सत्ता पक्ष जो है सरकार की गलतियों से ही तो विपक्ष को ताकत मिलती है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छी डिलीवरी कर रही है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर विपक्ष को ताकत क्यों मिलेगी? तो इसलिए इसलिए जो है सरकार की गलतियां या एंटी इनकम्बेंसी, उसी से विपक्ष आगे बढ़ता है। लेकिन विपक्ष घर बैठे आगे नहीं बढ़ता, कुछ प्रयास करता तभी तो आगे बढ़ता है। आज अखिलेश यादव सड़क पर है, ये तो दिखाई पड़ रहा है ना, आज वो जनता के बीच में है। आज जब हम देखते हैं कि वो गाजीपुर से चल करके और सुल्तानपुर तक जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आ रहे हैं, और जहां उनको शाम को 6 बजे पहुंचना था वहां सुबह 3 बजे पहुंच रहे हैं, 4 बजे पहुंच रहे हैं भीड़ के कारण, तो कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन तो बन रहा है ना उनका। आज बुंदेलखंड में जो भाई मैंने जो वीडियोज देखे हैं, जो शेयर किए हैं सोशल मीडिया में, मुख्य मीडिया तो दिखा नहीं रहा है, तो उसमें जो ट्रैक्शन जो दिखाई पड़ रहा है अखिलेश यादव की सभाओं में, वो बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन है, और प्रियंका गांधी की सभाओं में भी ट्रैक्शन है। तो इसका मतलब लोग अब विपक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। मैं अभी चुनाव परिणामों की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये भविष्यवाणी मैं वैसे करता नहीं हूं और ना मेरी करने की आदत है, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बराबर है, कहां तक कितने मुद्दों पर। मैं रविकांत जी से की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी शायद अखिलेश यादव का भाषण लिखने वाले लोग या तैयार करने वाले लोग या उनको मुद्दे देने वाले लोग, जो उनकी टीम होगी, वो कहीं ना कहीं ये चूक कर रही है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय प्रतिमान हैं, जो स्थानीय नायक हैं, उनका जिक्र उनके भाषणों में आना चाहिए। जैसे कुछ चीजें उन्होंने इम्प्रूव की है, जैसे पहले के उनके भाषण देखिए, अब वो महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, अब वो पिछड़ों की जो जनगणना है, जातिगत जनगणना, उस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। पिछड़ों, अब वो बार बार कह रहे हैं कि पिछड़ों का इंकलाब होना है, पिछड़ों की क्रांति होनी, यानी कहीं ना कहीं वो जो गैर यादव अति पिछड़े हैं उनको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, जो पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकमुश्त चले गए थे, और जिसके तहत उन्होंने तमाम सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। वो राजा रामपाल हो, चाहे पाल समाज के कानपुर के, चाहे वो सुखदेव राजभर के बेटे रामचंद्र राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर हो, लालजी वर्मा हो, या जाटों में पंकज मलिक और ये हरिंदर मलिक हो, जयंत के साथ गठबंधन, कृष्णा पटेल के साथ गठबंधन, जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन जो चौहानों की पार्टी है, निषाद पार्टी के जो है संजय निषाद के अलावा जो दूसरे निषाद नेता है उनको लाना,
फूलन देवी को समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया था पहली बार, इसका जिक्र करना, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जो रविकांत जी ने कहा ये बात उनके लोगों, ये फीडबैक उनको तक पहुंचेगा, तो हो सकता है आगे आने वाली सभाओं में वो इन सब चीजों पर इन गलतियों को सुधारें। लेकिन मैं एक बात आपकी बात से सहमत हूं कि कोई भी दल हो, अति आत्मविश्वास जो होता है जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास तो अच्छी चीज है, आत्मविश्वास के बिना तो कोई लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते, लेकिन अति आत्मविश्वास जो है वो नुकसानदेह किसी के लिए भी हो सकता है, वो सत्ता पक्ष के लिए भी हो सकता है, विपक्ष के लिए भी हो सकता है कि नहीं हम तो जीत ही रहे। तो जब ये हो जाता है तो वो नुकसान करता है, इसलिए चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, और चाहे योगी आदित्यनाथ हो, मैं तीनों के लिए कहूंगा क्योंकि हम किसी पार्टी के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, हम तो चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, तो तीनों में से जिसको भी अति आत्मविश्वास होगा उसको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए राजनीतिक नेताओं को, और खासकर उन नेताओं को जो अपनी अपनी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके स्टार प्रचारक हैं, उनके पोस्टर बॉय हैं, उनके नायक हैं, उनके नेता हैं, उनको आत्मविश्वास से बचना पड़ेगा। और ये चुनाव उत्तर प्रदेश का 2017 से बिल्कुल भिन्न होगा, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2017 में की परिस्थितियां अलग थी, 14 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की खिलाफ मिली जुली, क्योंकि उनकी सरकारें लगातार 2002 के बाद से सपा की सरकार, बसपा की सरकार, फिर सपा की सरकार, तीन सरकारें उनकी आई थी और बसपा की सरकार भी थी, दो दो बसपा की सरकारें थी, दो सपा की सरकारें थी, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी, कांग्रेस कहीं थी नहीं, तो एक सत्ता विरोधी रुझान इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आम जनमानस में था। गैर यादव पिछड़ों का झुकाव भाजपा की तरफ हो गया, क्योंकि भाजपा ने वो कॉम्बिनेशन बनाया, संघ ने बनाया, अमित शाह ने एक रणनीति बनाई, गैर जाटों दलितों का झुकाव भी भाजपा की तरफ हुआ, सवर्ण हिंदू पहले से ही भाजपा के साथ था, उसमें मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी लोकप्रियता, उनकी चमक, उनका जो है बढ़ता हुआ ग्राफ उसने एड ऑन किया, उसमें फिर शमशान और कब्रिस्तान के नैरेटिव्स ने उसमें हिंदुत्व का तड़का लगाया, तो सामाजिक हिंदुत्व की सीमेंट, सामाजिक जातीय समीकरणों की ईंटें, गवर्नेंस का पेंट और डेवलपमेंट का पलस्तर, ये मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्बिनेशन बनाया और उससे 325 सीटें उससे गठबंधन को मिली। लेकिन इस बार पलस्तर उखड़ रहा है, पेंट पुराना पड़ चुका है, सीमेंट जो है वो भी थोड़ी बिखर रही है, ईंटें बिखर रही हैं, तो इस बार थोड़ा चुनाव ये दिलचस्प होगा, कांटे का होगा, टक्कर का होगा। अब कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा, 200 का आंकड़ा कौन पार करेगा, ये भविष्यवाणी कम से कम मैं नहीं कर सकता। मैं, मेरे लिए लगता है अभी मैदान खुला हुआ है, और इस खुले मैदान में जो भी रथ दौड़ रहे हैं विजय का वो जो मार्ग पाने के लिए, तो सब अपनी ताकत लगा रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो अभी अजय भाई भी कह रहे थे और बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, क्योंकि अभी तो बहुत दौरे कर रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को, कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल रेस से, दौड़ से बाहर थी लखीमपुर की घटना से पहले तक, लखीमपुर के बाद, खीरी लखीमपुर के किसान संघर्ष के बाद वो चर्चा में आ गई, वो दौड़ में आ गई। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई इतना बड़ा मिरेकल हो जाएगा कि उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह का ट्रैक्शन प्रियंका गांधी को मिल रहा है, जिस तरह के उनके मुद्दे जा रहे हैं लोगों तक, खासकर 40% महिलाओं का जो टिकट देने वाला मुद्दा है और भी मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की एक जो लड़ाकू छवि बनी है आज की तारीख में, वो लड़ और नारा भी दे दिया उन्होंने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो खुद भी लड़ रही है, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में मिलना चाहिए, उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए, सीटें भी बढ़नी चाहिए। अब कितना पड़ेगा, कितना होगा, ये मतलब भविष्यवाणी करना अभी मुमकिन नहीं है मेरे लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।